2017 सभी के लिए काफी एक्साइटिंग है क्योंकि इस साल एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, जहां एप्पल कंपनी आईफोन 8 को आईफोन 7 के अपग्रेड फीचर के साथ पेश करेगी। वहीं सैमसंग कंपनी गैलेक्सी S8 की मदद से नोट 7 के कारण अपने रेपुटेशन में आई हुई कमी को वापस लाना चाहती है। दोस्तों, ये दोनों ही अपकमिंग स्मार्टफोन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में रहे हैं और इनके बारे में रोज़ नई नई जानकारियाँ सामने आती रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि लीक खबरों के मुताबिक गैलेक्सी S8 और आईफोन 8 में से कौन सा स्मार्टफोन खास होगा और इन दोनों फ़ोन में से किसका मार्केट ज़्यादा बड़ा होगा। तो दोस्तों, मैं हूँ विभा और दरोगाजी.com पर आप सबका स्वागत है। एक आर्टिकल के अनुसार स्क्रीन के बेस पर आईफोन 8 के 3 मॉडल आएंगे। वैसे एप्पल कंपनी का कहना है कि आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन के केवल 2 ही मॉडल होंगे, पर आर्टिकल का कहना है कि एक थर्ड मॉडल भी होगा क्योंकि आईफोन सीरीज के 10 साल पूरे होंगे और इसे सेलिब्रेट करने के लिए ये थर्ड मॉडल लॉन्च किया जाएगा। रूमर्स का कहना है कि आईफोन 8 में 5.8 इंच का डिस्प्ले होगा व इसका प्लस मॉडल थोड़े और बड़े डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि ओलेड डिस्प्ले होगा। वह उम्मीद की जा रही है कि ये ओलेड डिस्प्ले क्वाड HD डिस्प्ले से कम नहीं होगा। हालांकि एप्पल फर्स्ट टाइम इस तरह के डिस्प्ले का इस्तेमाल कर रहा है और ओलेड डिस्प्ले LCD डिस्प्ले से काफ़ी बढ़िया होता है। वहीं दूसरी ओर सैमसंग की बात करें तो माना जा रहा है कि गैलेक्सी S8 में 5.7 इंच की स्क्रीन होगी व इसका प्रीमियम मॉडल 6.2 इंचेस का होगा। ये डिस्प्ले सुपर एमोल्ड कर्व डिज़ाइन के साथ क्वाड HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये डुअल कर्व्ड होने के साथ H2H स्क्रीन को भी सपोर्ट करेगा। ये हुई स्क्रीन की बात। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट की बात करें तो एप्पल कंपनी ने न्यू iOS रिलीज करने की बात की थी। स्मार्टफोन शौकीन लोगों को भी यही उम्मीद है कि आने वाले डिवाइस में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा और BGR रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 11 पर चलेगा। दूसरी तरफ गैलेक्सी S8 में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड नॉगट आउट ऑफ द बॉक्स होगा जो नए सिक्योरिटीज अपडेट देगा। ये स्टाइलिश होगा और मौजूदा नॉगट ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स ने भी इसकी अच्छी तारीफ की है। CPU सिस्टम देखें तो सैमसंग गैलेक्सी S8 में कॉलकम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर का इस्तेमाल होगा। ये प्रोसेसर कॉलकम का सबसे फास्ट और लेटेस्ट प्रोसेसर होगा और ये भी पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि गैलेक्सी S8 पहला ऐसा डिवाइस होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सैमसंग एक और मॉडल बना रही है जो डेवलप किए जा रहे एक्सिनोस 8995 चिपसेट पर चलेगा। वहीं दूसरी तरफ आईफोन 8 में एप्पल का अपना A11 प्रोसेसर होगा। फिलहाल दोस्तों, प्रोसेसर के बारे में लिमिटेड जानकारी ही सामने आई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद इन डिवाइसेस के CPUs के बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में ये अफवाह है कि गैलेक्सी S8 में 4GB रैम होगी जबकि आईफोन 8 में सिर्फ 2GB की ही रैम होगी। वैसे आईफोन 8 में रैम तो कम होती है पर इसके बावजूद इसका परफॉर्मेंस सबसे हटके होता है। इसके अलावा इन स्मार्टफोन में 32GB, 64GB व 128GB के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों, ये थे अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S8 और आईफोन 8 के नए अपडेट। वैसे इन रिस्पेक्टिव कंपनियों के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बिना ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस किस पे भारी होगा, पर दोनों कंपनी ने दावा किया था कि ये दोनों ही नए अपडेट फीचर के साथ मार्केट में आएंगे। दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन में से सैमसंग गैलेक्सी S8 आने वाले 29 मार्च को रिलीज होगा, पर आईफोन 8 के रिलीज के बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एप्पल कंपनी का कहना है कि आईफोन 8 आईफोन 7 के कंपैरिजन में थोड़ा अलग होगा और ये अपग्रेड फीचर के साथ मार्केट में आएगा। वहीं सैमसंग गैलेक्सी S8 भी नोट 7 में की हुई टेक्निकल गलतियों के सुधार के साथ मार्केट में लौटेगा। तो स्मार्टफोन लवर्स जैसे कि हम और आपको भी इनसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और इन नए अपकमिंग स्मार्टफोन से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए हमें लाइक एंड कमेंट करने के साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।